हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, काफी स्टूडेंट ने कल मुझे मैसेज किया हुआ है कि सर, मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से हमें फिर से एक लिंक आ चुका है, एग्जाम लिंक। FY और SY के स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दे दिया है उनको फिर से मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से एग्जाम लिंक आ गया है, जिस तरीके से आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। काफी स्टूडेंट ने ऐसे मैसेज मुझे सेंड किए हुए हैं, उनको नोटिस भी आया, वो भी उन्होंने सेंड किया हुआ है। दोस्तों, एक वीडियो इस प्रॉब्लम को लेके बनाने वाला हूँ, क्योंकि काफी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर, अगर हमने एग्जाम नहीं दिया तो हमको यूनिवर्सिटी फेल कर देगा क्या, क्योंकि हर एक चीज जनरेट कर दिया, लिंक जनरेट कर दिया, एग्जाम हम अटेंड नहीं करेंगे तो केटी दिखाएगा क्या। तो चलो यार, मुंबई यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्यों किया है, किस लिए किया है, हम पूरा डिटेल में बात करते हैं। और जितने भी न्यू स्टूडेंट इस समय हमारे साथ हमारे इस एजुकेशन चैनल पे जुड़ रहे हैं, सूरज पटेल एजुकेशन पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, एक चीज बता दूं कि एक मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस रिलीज हुआ था, ठीक है। ये देखिए, ये नोटिस जिसका मैंने पहले से भी वीडियो बना दिया है, ठीक है। लेकिन इसी नोटिस को मुंबई यूनिवर्सिटी ने, ये देखिए, सेम चीज दिया हुआ है, सिर्फ अंदर कुछ चीज चेंज कर दिया हुआ है। इधर रिवाइज नोटिस है और इधर सिर्फ नोटिस है, और देखिए ये जो पूरा कंटेंट है इधर भी पूरा सेम है। और इसके रिलेटेड दोस्तों मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो जो भाई जो दोस्त वो देखना चाहते हैं, ये देखिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। ये देखिए, एडिशनल एग्जाम फ्रेश एंड रिपीटर, ठीक है दोस्तों, मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो। फिलहाल तो मैं इसे इस वक्त बंद कर देता हूँ क्योंकि गलती से वो ओपन हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, इस रिवाइज नोटिस में क्या दिया है वो पूरा आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। मैंने इसका वीडियो बना दिया है, तो प्रॉपर मैं आपको बता दूं कि FY BCom और FY BA, SY BA, SY BCom, इधर FY के रिपीटर स्टूडेंट, SY के फ्रेशर और रिपीटर स्टूडेंट, दोनों के लिए जो हमारे मुंबई में, जो हमारे महाराष्ट्र में साइक्लोन आया हुआ था, उसके वजह से काफी लोगों को डिस्टर्बेंस हुआ, काफी लोगों को प्रॉब्लम हुआ। तो जिस समय साइक्लोन आया हुआ था उस समय FY BA, FY BCom रिपीटर, SY BA, SY BCom रिपीटर एंड फ्रेशर, दोनों का एग्जाम चालू था। साइक्लोन के वजह से जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट है, इसको काफी डिफिकल्टी का प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, और स्टूडेंट इसी वजह से एनुअल पैटर्न वाले स्टूडेंट का एग्जाम भी प्रॉपर से कंडक्ट तो करवा दिया गया, लेकिन स्टूडेंट एग्जाम अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि काफी से ऐसे एरिया थे जहां नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, जहां फोन काम नहीं कर रहा था। तो यूनिवर्सिटी ने इस चीज के ऊपर एक डिसीजन लिया, उन्होंने जितने भी स्टूडेंट को ऐसे प्रॉब्लम थे, जिन्होंने भी एग्जाम अटेंड नहीं कर पाया या जिनको भी एग्जाम में डिफिकल्टी थी, उनके लिए उन्होंने रिकंडक्ट किया हुआ एग्जाम। यस दोस्तों, यूनिवर्सिटी ने आप सभी लोगों के लिए रिकंडक्ट किया हुआ एग्जाम, ठीक है। आप लोगों का एग्जाम 8 जून से चालू होने वाला है, मतलब आज से ही चालू होने वाला है। होल टिकट, हर एक चीज, आप लोगों के रजिस्टर, मोबाइल नंबर, हर एक चीज पे दे दिया गया था, जो पहले का था वही रहने वाला है, ठीक है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं होने वाला है। लेकिन बात आता है कि ये उन स्टूडेंट के लिए था जिन स्टूडेंट ने एग्जाम अटेंड नहीं किया था, लेकिन जिन्होंने किया तो उनको एग्जाम का लिंक क्यों आया। दोस्तों, एग्जाम का लिंक आया इसलिए, जैसे कि इधर नोट दिया हुआ है, नोट में उन्होंने लिखा है कि ये जो एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, ये सभी स्टूडेंट के लिए कंडक्ट किया जा रहा है। जिन्होंने नहीं दिया है वो तो कंपलसरी देने वाले हैं, लेकिन जिन्होंने दिया है उनको लगता है कि हमारे एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम था, या हमारा कोई मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कम है या कुछ है, तो मैं फिर से एग्जाम देना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दे सकते हो, आपको ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो आपने जो पहले एग्जाम दिया है प्लस जो इस बार एग्जाम दोगे, बेस्ट ऑफ जो भी वो दोनों एग्जाम में से जिसका भी मार्क्स ज्यादा रहेगा उसे कंसिडर किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है, आप फिर से स्टडी करके आपका एग्जाम दे सकते हो और ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, तो आप दे दीजिए, बिकॉज जिसमें भी मार्क्स ज्यादा रहेगा पहले वाले में या अभी वाले में, उसे कंसिडर कर दिया जाएगा। यही वजह है कि आप जितने भी स्टूडेंट है सभी को लिंक आया हुआ है, ठीक है। और अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो बेस्ट ऑफ लक, और जो एग्जाम इस वक्त FY SY का दे रहे उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों, अगर आपको MCQs चाहिए,
FYSY स्टूडेंट को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से स्टडी कर सकते हो फ्री ऑफ कोर्स, कोई भी चार्ज नहीं है। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।